नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। और आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग के बारे में। तो आज का जो कंटेंट है ये है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग फॉर होम्स। फिर आगे जो नेक्स्ट जो दूसरी सीरीज करेंगे, दूसरा जो वीडियो बनाएंगे, वो करेंगे पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग फॉर हॉस्पिटल्स, देन पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग फॉर कॉमर्शियल स्पेसेस या जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज होती है, ऑफिस में पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। तो आज बात करेंगे पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग फॉर होम्स। सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने मेरे दूसरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा, ये जो वीडियो में आपको फोटोज दिखती रहेगी उससे भी समझ में आ जाएगा कि पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का मतलब क्या होता है। पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का मतलब जो टेक्निकली बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड फ्लोरिंग है पीवीसी। लेकिन ये आपको बहुत आसानी से और कॉमनली जो अगर मैं समझाऊं तो जब भी आपने ट्रेन की यात्रा करी हो, रेल की यात्रा करी होगी, तो हर रेल के कोच में और इवन रेल के बाथरूम में भी पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग लगी हुई होती है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा और बढ़िया और मजबूत प्रोडक्ट है। तो इसको आप आराम से बिंदास, बिना डरे, बिना सोचे समझे, ढंग की क्वालिटी अगर आप लगाएंगे तो कहीं पे भी इसको आप लगा सकते हैं। बिल्कुल रफ एंड टफ प्रोडक्ट है। अगर इसके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे तो ये इसको बियर कर सकता है, सब्जेक्ट टू कि उस लेवल की विनाइल फ्लोरिंग आपने यूज की हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विनाइल फ्लोरिंग के फॉर्मेट क्या क्या आते हैं। तो विनाइल फ्लोरिंग जो घरों में लगाएंगे उसमें दो तरीके की विनाइल फ्लोरिंग आती है। एक आती है विनाइल फ्लोरिंग इन रोल्स, रोल फॉर्मेट में, शीट फॉर्मेट में आती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो रोल की जो चौड़ाई होती है, नॉर्मली 6.5 फुट की चौड़ाई होती है, 2 मीटर होती है एग्जैक्टली। मैं आपके समझने के लिए 6.5 फुट की बता रहा हूं। तो 6.5 फुट की विनाइल फ्लोरिंग का रोल होता है। तो जब भी आप कभी लगाएंगे अगर इसको रोल फॉर्मेट में, तो जहां भी 6.5 फुट का हिस्सा खत्म हो जाएगा वहां पे एक दूसरा जॉइंट आएगा, वहां पे एक जॉइंट आएगा। लेकिन वो जॉइंट बियरेबल है, अगर आप उसको सेट करते हो बिल्कुल एक अच्छी सी जगह पे उस जॉइंट को ले आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप रोल फॉर्मेट की विनाइल फ्लोरिंग लगाते हैं और आपकी कभी कभार खुदा ना खास्ता जॉइंट खुल जाए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको जैसे ही आपको पता चले कि जॉइंट खुल गई है तो तुरंत आप उसको इमीडिएटली एस आर एडेसिव सिंथेटिक रबर एडेसिव आता है, उससे आप खुद भी छोटी सी ब्रश लेकर के वो जो एडेसिव लगा के थोड़ी देर उसको अगर आप सूखने देंगे, ड्राई हो जाएगा, जब उसमें टैग क्रिएट हो जाएगा उसको आप दोबारा चिपका सकते हैं। तो आपकी विनाइल फ्लोरिंग काफी साल तक आपको सर्विस दे सकती है, सब्जेक्ट टू आपने अच्छी विनाइल फ्लोरिंग लगाई है। तो आपने देखा होगा मैं बार बार आपको सब्जेक्ट टू अच्छी विनाइल फ्लोरिंग लगाई हो तो, सब्जेक्ट टू अच्छी विनाइल फ्लोरिंग लगाई हो तो मैं कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप विनाइल फ्लोरिंग खरीदने जाएंगे बाजार में तो आप रेट का डिस्कशन लास्ट में कीजिएगा। गलती क्या होती है होम ओनर्स की कि वो सबसे पहले रेट का डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो जब आप रेट का डिस्कशन अपने दुकानदार से करते हैं तो उसको अपने बिजनेस का इंटरेस्ट रहता है, तो उसको ऐसे लगता है कि अगर मैंने इसको महंगी चीज दिखा दी तो ये कस्टमर कहीं और चला जाएगा, और दूसरा दुकानदार जब उसको सस्ती चीज दिखाएगा तो ये वहां से खरीदेगा, मेरे से नहीं खरीदेगा। तो दुकानदार इस डर से कि कहीं आप प्रोडक्ट को महंगा समझ के दूसरी जगह नहीं चला जाए, तो वो आपको सबसे पहले सस्ती चीजें ही दिखाना शुरू करता है। तो ये गलती मत करिएगा, पहले आप प्रोडक्ट समझिएगा फिर रेट की बात करिएगा। तो विनाइल फ्लोरिंग जब आप लगाएं घर में, तो अभी मैं सिर्फ रोल की बात कर रहा हूं, तो रोल फॉर्मेट में जब भी आप विनाइल फ्लोरिंग लगाएं तो कम से कम मिनिमम 1 mm 1 mm मोटी विनाइल फ्लोरिंग लगाइएगा। तो अब इसमें मैं बता देता हूं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक तो बिल्कुल जो पतली विनाइल फ्लोरिंग आती है वो आप समझ लीजिए 0.45 mm, एक आपका जो नाखून है करीब करीब 1 mm का है, तो इसका भी आधा थिकनेस की विनाइल फ्लोरिंग आपको आनी चालू हो जाती है बाजार में, 0.45, 0.5, 0.65, 0.75, फिर 1 mm। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर आप घर में लगा रहे हैं और अगर आपके बजट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 1 mm की विनाइल फ्लोरिंग कम से कम लगाइएगा। मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि 1 mm से भी थोड़ी ऊपर 1.2 mm, 1.3 mm या 1.5 mm की विनाइल फ्लोरिंग लगाइएगा। 1.5 mm जब विनाइल फ्लोरिंग होती है वो रीजनेबली अच्छी क्वालिटी की होती है। वो विनाइल फ्लोरिंग आपके घर में आपको करीब आप समझ लीजिए 8 से 10 साल की सर्विस दे देगी। अब आपको चाहिए बहुत बढ़िया अच्छी विनाइल फ्लोरिंग अगर आप लगाना चाहें तो 1.5 mm से ऊपर 2 mm तक की नॉर्मली अगर आप बाजार में ढूंढने जाएंगे तो आसानी से आपको 2 mm की विनाइल फ्लोरिंग की सीट्स रोल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। रोल वाली विनाइल फ्लोरिंग लगाते समय आप जो स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग मतलब जो दीवार के पास में जाओ जो आपकी फ्लोर खत्म होकर के जो स्कर्टिंग ऊपर रेज होती है उसको आप बिना कट करे ऐसे ऊपर डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं वहां पे दबा करके, या एक अलग से थोड़ा और अच्छा बढ़िया काम करवाना हो तो वहां पे कॉर्नर में रबड़ का कोव आता है, कोव बोलते हैं उसको, जिससे कि आपकी विनाइल फ्लोरिंग ऐसे
ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी, मतलब सीधी शार्प एंड नहीं होकर के ऐसे चढ़ जाएगी, तो वहां पर आपको क्लीनिंग भी बहुत ईजी हो सकती है। अब बात करते हैं टाइल फॉर्मेट में। टाइल फॉर्मेट में जो विनाइल फ्लोरिंग आती है वो 1 फुट बाई 1 फुट के चकोर टाइल भी आती है, जो कि आजकल मार्केट में बहुत कम मिलती है, काफी कम कंपनियों में अवेलेबल है। फिर लंबी स्ट्रिप फॉर्मेट में, पट्टियों की फॉर्मेट में 6 इंच बाई 36 इंच या 8 इंच बाई 48 इंच की लंबी पट्टियां आती है। अभी आज की तारीख में जो मार्केट है उसमें वुडन कलर, जो लकड़ी वाला जो कलर है, उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि विनाइल फ्लोरिंग सिर्फ लकड़ी के प्रिंट में, वो प्रिंट होती है लकड़ी के प्रिंट में ही आती है, वो किसी भी प्रिंट में, जैसे लकड़ी प्रिंट कर सकते हैं अगर विनाइल फ्लोरिंग की कंपनी वाले, वैसे किसी भी चीज को स्टोन की या इटालियन मार्बल की या कुछ भी प्रिंट आपको दे सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों का डिमांड लकड़ी का ज्यादा है, इसलिए बाजार में वुडन प्रिंट ज्यादा बिकती है। अब ये जो टाइल है, टाइल के बारे में अपन बात करते हैं। टाइल में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी हल्की फुल्की ऐसी वैसी कंपनी की टाइल लगा ली तो उसकी लाइफ कम रहेगी, ऊपर का जो लेयर है वो जल्दी वेयर आउट हो जाएगा। तो ऊपर का जो टॉप लेयर है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है पीवीसी टाइल्स में। तो ऊपर का लेयर जितना मोटा है, टॉप लेयर जो दिखता है प्रिंटेड लेयर, वो जितना मोटा है उससे समझा जाएगा कि ये विनाइल फ्लोरिंग उतनी ही अच्छी क्वालिटी की है। तो टॉप लेयर, तो आप जब आप प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ रहेगा पीछे की तरफ, तो वो 0.1 मतलब 0.1 mm का टॉप लेयर है, 0.15 mm का टॉप लेयर है, 0.2 mm का टॉप लेयर है, 0.25 mm का टॉप लेयर है, या 0.3 mm का टॉप लेयर है। या आप जब आप स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप टाइल प्लैंक्स में विनाइल फ्लोरिंग अपने घर में लगा रहे हो तो ये जरूर आप नोट कीजिएगा कि भले ही विनाइल फ्लोरिंग 1.5 mm की है, बट टॉप लेयर अगर अच्छा है तो वो आपको सर्विस अच्छी देगी। क्योंकि लगने के बाद किसी को पता चलने वाला नहीं है कि आपने 1.5 mm लगाई है या 2 mm लगाई। अब इसमें कितने कितने थिकनेस आते हैं। बेसिक जो आएगी टाइल फॉर्मेट में वो आएगी 1.5 mm, 1.5 mm के बाद आएगी 2 mm, 2 mm के बाद आएगी 3 mm। अब आप बोलेंगे भाई 3 mm की विनाइल फ्लोरिंग, अभी तो आपने 1 मिनट पहले कहा कि लगने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि 1.5 mm लगाई है या 2 mm लगाई है या 3 mm लगाई है। मैं 100% इसमें सही नहीं हूं। जब आप 1.5 mm की विनाइल फ्लोरिंग लगाएंगे और जब आप 3 mm की विनाइल फ्लोरिंग लगाएंगे तो वो जो फील है, जो चलने का या उसके ऊपर आप बैठने का, वो फील में काफी फर्क पड़ता है। और जब कोई भी आदमी आपको 3 mm की विनाइल फ्लोरिंग दे रहा है तो वो अंडरस्टूड है कि वो एक अच्छी क्वालिटी की विनाइल फ्लोरिंग बना रहे हैं। तो उसका जो टॉप लेयर है वो भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होता है, वो करीब 0.3 mm तक का आपको टॉप लेयर मिल सकता है। और देख लीजिएगा अलग अलग जो कंपनीज है वो अलग अलग थिकनेस में बनाती है। तो ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है और इसमें जब आप लगाएं तो इंस्टॉलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा कि अच्छे से प्रॉपर पूरा एडहेसिव लगा के लगाया जा रहा है। जो कंपनी बता रही है उसी क्वालिटी का, उसी स्पेसिफिकेशन का एडहेसिव लगा रही है। पहली बार जब ये विनाइल प्लैंक्स लगाए जाते हैं तो ये वाटर बेस्ड एडहेसिव से लगता है, SR एडहेसिव से नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने टाइल लगवा ली है और आपके पास जिस कंपनी ने आपके घर में जो विनाइल फ्लोरिंग लगाई है उसकी फ्रीक्वेंट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कभी भी आपको कहीं पे भी विनाइल फ्लोरिंग की डीलैमिनेशन, मतलब उतर गया है कहीं पे जॉइंट खुलती हुई या स्कर्टिंग कहीं पे थोड़ी सी लूज दिखे, तो आपको इमीडिएटली थोड़ा सा इतना सा SR एडहेसिव या कोई भी एडहेसिव से उसको आप तुरंत चिपका करके वापस लगा देंगे तो वो टाइल जो है या विनाइल फ्लोरिंग उसका डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगी, तो आपकी उसकी जो विनाइल फ्लोरिंग की लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। तो कभी भी स्पेशली नोट करिएगा कि आपके घर में अगर आप विनाइल फ्लोरिंग लगाएं और आपको कहीं पे हल्का सा भी डिफेक्ट या थोड़ा सा भी डीलैमिनेशन या लूज दिखे तो उसको आप तुरंत चिपका लीजिएगा, तो आपकी जो ना लाइफ बहुत ज्यादा उसकी विनाइल फ्लोरिंग की हो जाएगी। अब मैं फटाफट आपको इसके एडवांटेज बताता हूं। विनाइल फ्लोरिंग का एडवांटेज क्या है, एक तो उसको लगाना बहुत ईजी है, हटाना बहुत ईजी है, दोबारा लगाना बहुत ईजी है, लेकिन आपकी जो बेस फ्लोर है उसको ये खराब करेगा एडहेसिव लगने की वजह से। एडहेसिव से आपका जो अभी जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है उसमें एडहेसिव के मार्क्स आ जाएंगे अगर आप हटाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो प्राइस है बहुत रीजनेबल है। अगर आप कोई भी फ्लोरिंग, अच्छी क्वालिटी की फ्लोरिंग कराते हैं तो आपको 100 रुपए करीब का खर्चा आता है। तो विनाइल फ्लोरिंग आप बढ़िया से बढ़िया विनाइल फ्लोरिंग भी कराएंगे तो आपके 100 रुपए के आसपास में आपके आराम से लग जाएगी। और अगर आप 1.5 mm लगवाते हैं तो करीब आपके 60 रुपए के आसपास में आराम से विनाइल फ्लोरिंग लग जाएगी। ये मैं टाइल की बात कर रहा हूं। अगर यही अगर आप रोल फॉर्मेट में 1.5 mm लगाएंगे तो 60 रुपए से वो और भी कम आएगी। फिर उसमें 1.2 mm है वो थोड़ी और कम आ जाएगी, 1 mm की रेट और थोड़ी कम आ जाएगी।
कहीं पे भी आपको फटाफट नया लुक देना हो फ्लोरिंग को, तो विनाइल फ्लोरिंग एक अच्छा प्रोडक्ट है, जहां पे इस पर आप ये दीमक से भी खराब नहीं होती, आराम से आप पोछा भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा हार्श यूज भी कर सकते हैं, कुछ गिर जाए पड़ जाए तो कोई स्पॉट्स वगैरह भी इसमें नहीं पड़ते हैं। विनाइल फ्लोरिंग की एक और एडवांटेज ये है कि ये रीसाइलेंट होता है, इसमें आप चलेंगे ना तो जो आवाज वगैरह होती है वो ये कम कर देती है, आपकी कॉस्टिक प्रॉपर्टीज बढ़ा देती है आपके घर की। बिना जूता चप्पल पहने अगर आप विनाइल फ्लोरिंग में चलेंगे तो आपको सॉफ्ट फीलिंग आएगी, जबकि आप जैसे विट्रीफाइड टाइल में या किसी पत्थर की फ्लोर में, स्टोन फ्लोरिंग में चलेंगे तो जो जितनी वो पत्थर की फ्लोरिंग आपको हार्ड लगेगी उतनी आपको विनाइल फ्लोरिंग उतनी ही सॉफ्ट लगेगी। जब चलने में सॉफ्ट लग सकती है तो बैठने में भी आपको आराम से कुछ भी बिछाए बगैर आप आराम से डायरेक्ट विनाइल फ्लोरिंग की फ्लोरिंग में आराम से बैठ सकते हैं, परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं, बच्चे भी खेल कूद सकते हैं, और कोई गिर पड़ भी जाए तो उसमें ज्यादा चोट लगने की संभावना कम रहती है। ये जो विनाइल फ्लोरिंग होती है ठंडी जगह पे बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि बहुत जितनी जो फर्श बिल्कुल सर्दियों में ठंडी हो जाती है या गर्मियों में गर्म लगती है उसको भी ये मतलब आप जो है ना टेम्परेचर इसका चेंज कर देती है, जैसे बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी या बहुत गर्मी में भी आपको थोड़ा सा यू प्लेजेंट सा फील आएगा अगर आप इसमें बैठे तो। बहुत वैरायटी ऑफ डिजाइंस है, डिजाइंस बहुत ज्यादा है, बहुत सारी डिजाइंस आप चूज कर सकते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन को मिक्स करके आप अपनी खुद की भी बहुत सारी डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं कि एक तो इसमें जॉइंट्स आते हैं, अगर आप रोल में लगाएंगे तो कहीं पे भी अचानक से जॉइंट्स आ सकता है, टाइल फॉर्मेट में भी लगाएंगे तो मल्टीपल जॉइंट्स आते हैं, तो जॉइंट्स का कभी भी खुल सकते हैं, ये एक डिसएडवांटेज है, उसका मैंने सॉल्यूशन आपको पहले ही बता दिया कि जब भी खुले तुरंत आप उसको चिपका दीजिएगा। ये जो प्रोडक्ट है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग, ये धूप अगर डायरेक्ट लगती है या गर्मी कोई भी गर्म चीज, जैसे सपोज मान लीजिए अपने से कभी गलती से कोई गर्म चीज इसके ऊपर गिर जाए, या अपनी आयरन कभी अपन नीचे बैठ के आयरन करें और गलती से अपने आयरन वहां पे छोड़ दी विनाइल फ्लोरिंग के ऊपर, या कोई भी गर्म चीज से ये जल सकती है, मतलब बर्निंग इफेक्ट मतलब जलेगी तो ऐसे आग नहीं लगेगी, फायर रिटार्डेंट होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट खुद जल सकता है, मतलब खराब हो सकता है, काला पड़ जाएगा। कभी कभार ये जो जॉइंट है ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या बहुत सारे अलग अलग कारण है, कभी एडेसिव रिएक्ट कर जाता है, कभी विनाइल फ्लोरिंग की क्वालिटी में कोई इश्यू होती है तो वो सुकड़ जाती है, विनाइल फ्लोरिंग श्रिंक हो जाती है, तो जो जॉइंट है वहां पे गैप भी कभी कभार देखने को मिला है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपने एग्जिस्टिंग फ्लोर पे अगर आप विनाइल फ्लोरिंग लगाते हैं तो वो अगर आप कभी आप डिसाइड करते हैं इसको अपने को हटाना है तो नीचे जो बेस फ्लोर है, जो मेन फ्लोर है, उसमें आपके एडेसिव के मार्क्स ये छोड़ेगी अगर आप हटाएंगे तो। अगर आपने कभी विनाइल फ्लोरिंग हटाया तो आपको या तो दोबारा से विनाइल फ्लोरिंग लगानी पड़ेगी या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है उसको आपको स्क्रबिंग वगैरह करा करके क्लीन करानी पड़ सकती है, पॉलिश करानी पड़ सकती है, तो खराब हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप उनसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। और बाकी सारी चीजें बहुत ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी फ्लोरिंग हो, गोबर पोत के भी अगर आप रहते हैं तो वो ज्यादा हाइजीनिक है, हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस मकान में आपको जीवन भर रहना है उसको आप ढंग का रखिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, सीढ़ियां चढ़िए और ढंग का खाना खाए कीजिए, स्वस्थ रहिए। और दिल से सबसे प्यारी बात, जय हिंद।